हे एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक विद द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। आज के दिन की शुरुआत काफ़ी जल्दी हो गई है, मतलब रोज़ की अपेक्षा आज मैं जल्दी फ्री होकर रेडी हो चुका हूँ। एंड अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा गाड़ी की बैटरी चेंज करवाने के लिए, क्योंकि अभी कुछ टाइम से ना प्रॉब्लम कर रही थी और मैं दो बार दिखवा चुका हूँ, बट मुझे लग नहीं रहा है कि वो अब उस तरीके का रिस्पांस दे पाएगी बैटरी। एंड हमें क्या है ना, काफ़ी दूर दूर आना जाना पड़ता है, तो सारी चीज़ें प्रॉपर होना ज़रूरी है। सीधा दूध पी के निकल गए? नहीं, थोड़ा सा ये इतना सा खा लीजिए प्रसाद, फिर चाहिए। प्रसाद आ गया है मेरे लिए, पूड़ी और अचार। वैसे खीर और पूड़ी बने हैं, बट वो मेरे साथ खाइएगा। तो हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि जाकर बैटरी सीधा चेंज ही करवा के नहीं डाल लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी हमें कंटिन्यू भागा दौड़ी करनी है। तो फिलहाल मैं इसको खा लेता हूँ एंड देन निकलता हूँ, देन आके मैं मिलता हूँ। ओके, एंड आज मैं रेडी हो गया हूँ नहा के। अभी ये नहा ही नहीं है, जाइए जल्दी, कितना लेट करेंगे। तो मैंने खा चुका है एंड अब मैं निकल रहा हूँ। मास्क भी हमारा है रेडी, गाड़ी भी हमारी है रेडी, बस निकलते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग पहुंचे हैं V2 एंड आज का पूरा दिन मेरा बाहर बाहर चला गया है एंड आज धूप में मैं इतना घूमा हूँ। अभी हम लोग गर्मी की वजह से ही इवनिंग में निकले हैं एंड लिटरली मैं अभी गाड़ी से आ रहा था ना, तब आँखों में इतना गर्मी लग रही थी, इतनी गर्माहट लग रही थी, एकदम चुभन हो रही थी। एंड अभी हम लोग आए हैं V2। V2 मुझे इसलिए आना था क्योंकि यहाँ से मुझे कुछ समर के लिए देखना था। एक्चुअल में जो मैं चीज़ लेना चाह रहा था वो कुछ मिलेगा कि नहीं यहाँ पर, तो चलिए चलते हैं। एंड मुझे अभी मैंने जो हेयर कट वाला ब्लॉग डाला था उसमें किसी का कमेंट आया, प्लीज ट्राई शोल्डर लेंथ हेयर्स, तो आई एम सो सॉरी मैं कट तो नहीं कर सकती, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ इसको ही देख के आपको। भाई ऐसी ऐसी डिमांड मत कीजिए आप, है ना। मैं मेरी वाइफ के हेयर में लॉन्ग ही चाहता हूँ मैं, इतने से भी कट करवाने की बात नहीं करता, आप तो शोल्डर लेंथ की बात कर रहे हैं, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, इट्स टोटली इम्पॉसिबल। तो अब आप प्लीज ऐसा कुछ फरमाइश मत कीजिए, इसमें आपको सजाएगा, देख रहे हो ना शोल्डर लेंथ में। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर सैंडोज एंड शॉर्ट्स देखना है, तो चलकर देखते हैं जैसा मुझे चाहिए वैसा मिलता है कि नहीं। मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, है ना। गाइस हम आ गए हैं मॉल से, जो थोड़ी बहुत शॉपिंग करी इन्होंने तो उनको ज़्यादा पसंद नहीं आया वहाँ से। तो कभी कभी क्या होता है ना, मन होता है पर मज़ेदार कुछ नहीं मिल पाता है, तो आज मेरे साथ वही हुआ, मुझे मज़ेदार कुछ मिला ही। एंड अभी हम वेट कर रहे हैं यहाँ पर, गोलगप्पे खाने का मन है हमारा। तो ये भैया बहुत टेस्टी बनाते हैं, और जब मैं मतलब हम लोग उस पार आते आते तक मैं यहाँ भीड़ लगती थी, लेकिन कोई नहीं था। मैंने कहा चलो खाली है और आज लगाए हैं हम लोग यहाँ आए, तो चलो थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। पर जैसे ही यहाँ आए पहुँचे हैं ऑलरेडी भीड़ लग गई, तो हम अपने टर्न का वेट कर रहे हैं, तो हमारा टर्न आता है। सो फाइनली हमारा टर्न आ चुका है के लिए, बस हम वेट कर रहे हैं। सो गाइज, अभी हम लोग जाने वाले हैं मार्केट। वो इसलिए जा रहे हैं अभी क्योंकि हम काफ़ी टाइम से हमारे मतलब कथा के लिए सोच रहे थे एनिवर्सरी के टाइम से, बट वो किसी कारण से पोस्टपोन होते चली आ रही थी। एंड हम लोगों का ना बार बार ये लग रहा था कि अरे यार कब होगी। एंड करवाना चाह रहे थे विनय से ही, और विनय की शादी थी तो उसमें भी वो बिजी था, तो हमने बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। एंड
उस चक्कर में क्या हुआ, एक मंथ दो मंथ तीन मंथ ऐसे निकल गए एंड फाइनली अब कल होने जा रही है। अभी जस्ट मेरी विनय से बात हुई है तो मैं जाता हूँ। सबसे पहले मैं और प्रिया दोनों ही जा रहे हैं, सामान लेकर जाते हैं सारा कुछ पूजन से रिलेटेड, क्योंकि एक बार हम लोग पहले भी ला लिए थे बट वो किसी कारण से हो नहीं पाई थी, तो फिर वो काफी टाइम हो गया तो सारा चीज फिनिश हो गई है। तो अभी फिर जा रहे हैं, सारा कुछ फ्रेश लेकर आएंगे एंड देन फिर होगी कलकत्ता। कल मजा आएगा एंड एक वो अंदर से रहता है ना कि यार कोई चीज करना चाहो और वो चीज फिर रुकी हुई रहती है, देन फिर वो होती है तो आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, अभी मुझे सेम वही फीलिंग आ रही है। मतलब मुझे क्या, इनफैक्ट हम सभी को, क्योंकि हम लोग यही सोच रहे थे कि यार कब होगी कथा, कब होगी, कब होगी, कब होगी, एंड फिर आगे का भी था बहुत सारा बड़ा एंड बिजी शेड्यूल, तो फाइनली आज होने जा रही है। अभी से मुझे हल्का फील हो रहा है। पहले जाते हैं मार्केट क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 9:15 हो गए हैं, देखते हैं हमें क्या चीज मिल पाती नहीं मिल पाती है, बट पूजन से रिलेटेड सारी चीजें मिल जाए प्लीज। एंड कल के लिए एक बहुत अच्छी चीज है कि कल है थर्सडे, कल हमारा व्रत भी है, कल कथा भी है, तो सारा कुछ मस्त है। लेट्स गो। मार्केट एंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि शॉप्स वगैरह बहुत सारी बंद हो चुकी है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट है मार्केट आने के लिए। एंड देखते हैं कि सारा सामान हमारे पास टाइम कम था, जैसे ही फोन आया विनय का और हम लोग निकल चुके हैं। देखते हैं फिर भी होप सो कि मिल जाए, मिल जाएगा आई थिंक। सो गाइस फाइनली हमें पान भी मिल गया है और हमने साईं बाबा के मंदिर के दर्शन भी कर लिए और अभी हम ले रहे हैं फ्लोर एंड उसके बाद हम जाएंगे सीधा मीठे की शॉप में एंड निकलेंगे। वाओ गजरे कितने प्यारे दिख रहे हैं ये ना। हाँ गजरे बहुत अच्छा लग रहा। चॉकलेट बर्फी, हाँ ठीक है। सो हमने ले लिया है मलाई बर्फी क्योंकि घर में सभी को पसंद है। सो गाइस सारी चीजें हमने ले ली है एंड जब कुछ चीजें होने की रहती है ना तो उसमें फिर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ये मैंने आज अच्छे से नोटिस कर लिया है। और एक चीज और है, देखिए कोइंसिडेंस जब बनता है तो किस तरीके से बनता है। आज हमारी मैरिज को 51 मंथ कंप्लीट हुए हैं, हाँ जी 51, और कल 19 है। जब हमारी शादी हुई थी तब हमारी जो शादी के बाद जो कथा होती है वो भी 19 को हुई थी और कल भी 19 है और कल भी हमारे यहाँ कथा हो रही है, मतलब देखिए कोइंसिडेंस एंड 51 मंथ हमारी शादी को कंप्लीट हो गए हैं। हैप्पी एनिवर्सरी, 51 मंथ कंप्लीशन एनिवर्सरी। तो अभी हम लोग चलते हैं घर। सो हर बार हम लोग कथा इस जगह करते हैं, इस बार सोच रहे हैं कि अंदर करें और यहाँ पर हो कंप्लीट डेकोरेशन। तो जैसा कि हम लोग करते आए हमेशा, मैं फटाक से कर लेता हूँ सिंपल सोवर एंड प्यारा सा डेकोरेशन ताकि मज़ा आ जाए। एंड अभी आप लोग टाइम देख सकते हैं 8 बज गया है, 10 बजे से हमारी कथा हो जाएगी स्टार्ट। तो चलिए लेट्स डू दिस। सो हो चुका है सारा कुछ डेकोरेशन एंड इतने से ही इतना प्यारा लगने लग जाता है ना कि मज़ा आ जाती है ना। और यहाँ पर हो जाएगी पूजा। हे एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे एंड सारी तैयारियाँ हो चुकी है, पूजन से रिलेटेड भी सारी तैयारी हो चुकी है और विनय भी आ चुका है। तो बस अब कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाली है पूजा। हम लोग सभी लोग रेडी हैं और आज हमने वेयर किया पिंक।
एंड हियर इज माई फ्रेंड जय श्री राम। ये पगड़ी बैठी है, जय श्री। यहाँ नहीं रही थी डर के मारे तुम्हारे, बोले मैं अकेले नहीं जाती भैया, मेरे को बहुत परेशान करते हैं। मैंने कहा जाओ जैसे बैठ जाओ, मैंने भी अकेले बैठे हैं। बोलते नहीं मैं नहीं जाती। हाँ बोले नहीं नहीं मैं नहीं जाती भैया, मुझे अकेले में बहुत छील देते हैं इसलिए। सुंदर लग रहे हैं, चलिए इंतजार हो रहा है हमारा। वो ले आओ, मैं चुनरी और वो सुंदर लग रहे हैं, ले आओ चुनरी आ जाइए। Thank you.